So in this class, I will be discussing indices. So first of all, we must learn the laws for indices. And before laws, I would like to tell you something. Like we have 2 into 2 into 2. So we may write it like 2 cube. Or suppose we have 3 into 3 into 3 into 3. So we may write it like 3 power 4. So for suppose this is the बात पता होनी चाहिए कि इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम इंडेक्स कहते हैं. ठीक है जनाब, आवाज आ रही है मेरी? अब आ जाते हैं जनाब लॉज ऑफ इंडेक्सेस. सबसे पहला जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि जनाब अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करके लिख दो. अगर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करके लिख दो. ये रूल समझ में अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो. अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हूं और उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो. क्या ये बात क्लियर है? तो तीसरा रूल ये कहता है कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी. चौथा रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट बेसिस हैं लेकिन उनकी बेस सेम है तो उसको होल पावर बना के लिख लो. अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी बेसिस डिफरेंट हैं, लेकिन पावर सेम है तो होल पावर बना के लिख लो. और डिवाइड में भी ऐसे ही होगा कि जब उनकी पावर सेम है तो होल पावर बना के लिख लो. क्या ये बात क्लियर है? सो वी हैव अ क्वेश्चन. एट एक्स पावर एट वाई पावर फोर अपॉन टू एक्स वाई स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x² y² whole square / 3xy² whole square. किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा जरा देखते हैं. सो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर्स खोल दीजिए तो ये हो जाएगा 8x / 8y / 4. 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये y पावर 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2 2 4. हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 4, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये 2 2 4.
थ्री का स्क्वायर 9 आएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब जनाब क्या होगा, कैंसिलेशन होगी, 4 1 जा और 4 2 जा। देखिए जो जो डिवाइड हो रहा है ना उसके साथ हम क्या करेंगे, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, और ऑब्वियस सी बात है कि वाई फोर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। 16/9 एज इट इज रहेगा, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिवीजन है, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि डिवीजन है। क्या ये बात क्लियर है? सो नाउ याद रखें, जिनकी बेसिस सेम नहीं है जैसे कि 2 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 32/9। जनाब ये हो जाएगा x पावर 6, ये लिखा हुआ है 4-4, गलती से लिख दिया, ये है जनाब 4-2, ये बचेगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और दोबारा से जो बेस सेम है हम देख सकते हैं कि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, तो जनाब ये हो जाएगा 6+2 क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होगी, ये हो जाएगा एक्स पावर 8 और वाई पावर स्क्वायर। क्लियर है जी? सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, 4x² y^4 into 8x^4 y² divided by 4x² y² whole square। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से, सो 4 into 8 is 32। बेस सेम है x की तो 2+4 हो जाएगा, y की बेस सेम है तो 4+2 हो जाएगा, डिवाइड में लगा हुआ है होल स्क्वायर तो 16 आएगा, 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2 2 4 हो जाएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा, कैंसिलेशन होगी 16 1 16 2 जा, ये हो जाएगा 2x^6 y^6 अपॉन x^4 y^4 है, बेसिस सेम है, डिवीजन हो रही है, हम लिखेंगे 6-4, पावर्स माइनस करते हैं, जब डिवीजन होती है बेस सेम होती है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर हमारा इस तरीके से आएगा। नाउ वी हैव सम मोर लॉज फॉर इंडाइसेस, फॉर सपोज समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1, किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो याद रखें 1 के बराबर होगी, ठीक है। और दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर पावर आपके पास नेगेटिव है तो उसको अपॉन में ले जाएं, और अगर पावर नेगेटिव अपॉन में है तो उसको ऊपर ले आइए, पावर नेगेटिव है ऊपर तो नीचे ले जाएं, और अगर पावर नेगेटिव नीचे है तो ऊपर ले आए। क्या ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से जब हम रूट की बात करते हैं तो जब भी कभी हम एक्स का nth रूट देखेंगे तो उसको लिखा जाएगा एक्स की पावर 1/n, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो याद रखें कि यहाँ पर 2 है, ये हो जाएगा x पावर 1/2। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर हम रूट वाली वैल्यू को देखें सो हमारे पास इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहूं जनाब कि क्यूब रूट निकालना है 125 का, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 5 × 5 × 5, और क्यूब रूट को हम लिख लेंगे पावर 1/3 बनाकर,
ये 5 3 दफा है तो हम लिखेंगे 5 का क्यूब। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जनाब आंसर आएगा 5। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब 5th रूट निकालना है 243 का, तो हम इसको ब्रेक करेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3, और क्योंकि 5th रूट है तो हम इसको कर देंगे 1/5। ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और ये हो जाएगा 1/5। तो जनाब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 3। इसी तरीके से फॉर सपोज अगर आपको सॉल्व करनी है 8 की पावर 2/3, तो जैसा कि आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8² की पावर 1/3। तो 8 का स्क्वायर मुझे पता है होता है 64। 64 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 6 और उसके पावर लगी हुई है 1/3। कैंसिलेशन करूंगा 3 1 3 2, तो ये बचेगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 के। एनी प्रॉब्लम? सो इन दिस क्वेश्चन 4² = 16, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 6, ये है 8। तो जनाब कैंसिलेशन होगी, f6 सेम है कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8 2 कैंसिल हो जाएगा, जबकि e जो है वो है पावर नेगेटिव तो नीचे जाएगी और नीचे जाकर वो हो जाएगी प्लस, तो 12 + 12 करेंगे तो फिर वो 24 हो जाएगा। क्लियर है जी?